Ready? Hi everyone, how are you all today? I hope you all are safe out there and doing amazing. So guys, I am back with another series, Dil Walon Ki Dilli. So without further ado, let's jump into the video. गुड मॉर्निंग गाइज, आज है संडे मॉर्निंग और सुबह सुबह मैं निकल गई राजीव चौक की तरफ। सो टुडेज वीडियो इज अ डे आउट इन कनॉट प्लेस। इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू गाइज ऑल दोज अमेजिंग स्पॉट्स नियर बाई कनॉट प्लेस वेर यू कैन विजिट विद इन अ डे एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। You can do budget shopping, you can eat amazing street food and many more. तो आपको मैं बता दूं, कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। This place is also known as the heart of Delhi. From high-end shopping centers to pubs and bars, endless cafes and restaurants to commercial business hub, Cannaught Place has everything. बस इतना समझ लीजिए कि कनॉट प्लेस में आके आप बोर नहीं होने वाले। दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए कनॉट प्लेस से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। कनॉट प्लेस का एक चक्कर लगाने के बाद मैं निकल गई अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। जो भी मैं लोकेशन यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ, ये थोड़ा एक दूसरे से दूर है, तो आप या तो पैदल जा सकते हैं या फिर आप अपने लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक यूलू बाइक बुक कर सकते हैं जो आपको नियर बाई मेट्रो स्टेशन में अवेलेबल हो जाएगा। राइट नाउ आई एम हेडिंग टू बाराखंबा मेट्रो स्टेशन सो दैट आई कैन बुक अ यूलू राइड फॉर माई सेल्फ और उसी यूलू बाइक को लेके मैं जाऊँगी अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। If you guys don't know how to, you know, operate this Yulu bike, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आपको एक helper मिल जाएगा जो आपको इस situation में guide करेगा। चलिए अब चलते हैं अपनी next location की तरफ। हाँ जी, तो जिस लोकेशन की मैं बात कर रही थी, फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, उग्रसेन की बावली। यूलू बाइक से तो बहुत जल्दी पहुँच गई मैं। चलिए अंदर का नज़ारा देखते हैं। उग्रसेन की बावली शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत सुंदर बावली है। ये पुराने ज़माने का एक स्टेपवेल है जो कि वाटर प्रिजर्वेशन के काम आता था उस टाइम पे। इसमें 108 स्टेप्स हैं और 3 स्टोरीज, यानी कि 3 मंजिले की बावली है ये पूरी। इस बावली को लेके काफ़ी सारी हॉन्टेड स्टोरीज भी फेमस हैं। आई डोंट नो स्टोरीज सच है कि झूठ है, बट मुझे ये बावली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दिन के टाइम पे आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपना जो है एक मी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और हाँ, इंस्टाग्राम रील्स भी बना सकते हैं। बावली में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अपनी यूलू बाइक को लेके मैं निकल गई अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ।
पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ अभी। तो जिन्हें नहीं समझ आया, तो मैं हूँ अभी जंतर मंतर में। विद्यार्थी जन यहाँ पे मात्र 15 रुपये में घूम सकते हैं और जो बाकी लोग हैं उन्हें 50 रुपये का टिकट देना पड़ेगा। अभी मैं आ गई हूँ पालिका बाज़ार। पालिका बाज़ार काफ़ी ज़्यादा फेमस एक अंडरग्राउंड एयर कंडीशनर बाज़ार है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी चीप रेट में, और अगर आप मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें खरीद के ले जा सकते हैं। चलो मैं दिखाती हूँ मार्केट अंदर से कैसा दिखाई देता है। पालिका में मेरा ध्यान इस लाइटर शॉप पे गया जहाँ पे काफ़ी यूनिक लाइटर रखे हुए थे। सो यहाँ पे मुझे एक लाइटर पसंद आया जो कि भैया 500 का बोल रहे थे इनिशियली, देन मैंने बार्गेन करके 150 में इसको डन किया और मुझे काफ़ी पसंद आया ये लाइटर। तो आप ये सारी चीज़ें भी पालिका से खरीद सकते हैं। पालिका के बाद मैं निकल गई अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि स्ट्रीट शॉपिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। बोर्ड पढ़ के तो समझ ही गए होगे कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। जनपथ इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन दिल्ली वेर यू गेट टू डू द बेस्ट स्ट्रीट शॉपिंग। जनपथ अपने अफोर्डेबल चंकी ज्वेलरीज, फैशनेबल क्लोथ्स, ट्रेंडी बैग्स और होम डेकोर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। फॉर ऑल द लेडीज आउट देयर, अगर आप लोग जनपथ आ रहे हैं तो लेट मी टेल यू, आपकी बार्गेनिंग स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए। इफ यू गाइज रियली नो हाउ टू डू बार्गेनिंग देन यू कैन एज दिस मार्केट, अदरवाइज तो आपको सब कुछ महंगा लगेगा। एज आई टोल्ड यू गाइज, जनपथ इज फेमस फॉर इस चंकी ज्वेलरीज। तो मैंने यहाँ पे आके ये दो ज्वेलरीज यू नो खरीदी जो कि 130 का मुझे लगा, ये नेक पीस और ये एंकलेट। इस शॉप पे 100 के 4 और 5 ईयरिंग्स मिल रहे थे। तो आप लोग अगर जनपथ आएंगे तो चंकी ज्वेलरीज जरूर खरीदिएगा क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे प्राइजेस में आपको मिल जाते हैं। शॉपिंग करने के बाद भूख तो सबको लगती है, तो चलो चलते हैं मेरी फेवरेट जगह पे पेट पूजा करने के लिए। टीपॉल्स की कोल्ड कॉफी और डोलमांटी के मोमोज, मुझे ये बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये दोनों जरूर खाती हूँ, तो आप लोग जरूर ट्राई करना मोमोज और ये कोल्ड कॉफी, आई एम श्योर आप लोग को बहुत पसंद आएगा। कॉफी आराम से एंजॉय कर सकते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सो जनपथ में शॉपिंग करने के बाद अगर आपको भूख लग रही है तो डोलमांटी के मोमोज यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने अभी लिया चिकन मोमोज और टीपॉल्स की कॉफी कोल्ड कॉफी, दोनों बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोग कभी यहाँ आ रहे हैं तो इन दोनों को ट्राई करना तो बनता है। बस दोनों शॉप मेरे पीछे है और दोनों आजू बाजू में ही है। पेट पूजा करने के बाद मैंने अपनी यूलू बाइक को रिटर्न किया और ऑटो की सवारी शुरू की। ऑटो से बाहर जब ये मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करती है। आई डोंट नो कुछ लोगों को ये फनी लगेगा बट मुझे ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखना बहुत अच्छा लगता है। सनसेट ऑलमोस्ट होने ही वाला था, सो आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ स्पॉट वेयर यू कैन एन्जॉय अ ब्यूटिफुल सनसेट। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ उस लोकेशन की तरफ जहाँ पे आप लोग काफ़ी अच्छा सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। जब तक मैं लोकेशन पे नहीं पहुँच जाती, आप लोग भी मेरे साथ इस ऑटो के बाहर के व्यू को एंजॉय कीजिए।
There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself. इतना अच्छा सनसेट इन्जॉय करने के बाद मेरा मन हुआ एक कप चाय पीने का, तो चाय वाले भैया वहीं थे और मैंने एक कप चाय उनसे ली और व्यू को इन्जॉय करते हुए एक कप चाय पी। सनसेट इन्जॉय करने के बाद आई हेडेड टू माई नेक्स्ट लोकेशन। आपको लग रहा होगा वीडियो ख़त्म हो गई है, बट वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, एक बहुत ही सुंदर जगह दिखानी बाकी है। मैं आ गई हूँ बंगला साहिब गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे की एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये कि यहाँ पे कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी अमीर या गरीब नहीं होता, सब लोगों को यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए मुझे गुरुद्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब भी बंगला साहिब गुरुद्वारे आती हूँ तो मैं लंगर हमेशा खाती हूँ, तो अगर आप कभी गुरुद्वारे आ रहे हैं तो आप गुरु का लंगर ज़रूर खा के जाइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो गाइज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका वीडियो में फेवरेट पार्ट कौन सा था। आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।